दोस्तों आज हम कमोडिटी में क्रूड ऑयल का एनालिसिस करने वाले हैं। क्रूड ऑयल में हमें ओपी लेवल से काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है और यहाँ गिरावट कितनी कंटिन्यू रह सकती है और अपसाइड के हमें इसमें कितने लेवल देखने को मिल सकते हैं, इन सारे लेवल की जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम आ चुके हैं एंजल वन एप्लीकेशन पर आ चुके हैं और एप्लीकेशन पर आने के बाद हम यहाँ इंस्टाट्रेड एफ विंडो पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इंस्टाट्रेड की ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाती है। इस ट्रेडिंग विंडो में दोस्तों ट्रेडिंग करना काफ़ी ईजी काफ़ी आसान होता है, हम इस ट्रेडिंग विंडो का यूज़ करते हैं तो आप भी इस ट्रेडिंग विंडो का यूज़ किया कीजिए क्योंकि यहाँ पे एक ही विंडो पे सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि मुझे क्रूड ऑयल ऐड करना है तो मैं प्लस आइकन का यूज़ करूँगा और यहाँ से क्रूड ऑयल को सर्च करूँगा। क्योंकि मैं यहाँ पे पहले क्रूड ऑयल को लगा चुका हूँ जो 19 अप्रैल 2023 की एक्सपायरी का क्रूड ऑयल है, यहाँ पे मैं लगा चुका हूँ। आप इसको इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर ही मार्केट वॉच जैसा बन जाता है, इसमें सिंगल क्लिक करने पे आप यहाँ पे चार्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रूड ऑयल को लगा के रखा है। अब क्रूड ऑयल की हम बात करते हैं तो क्रूड ऑयल में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि जो हमने कल के दिन में बताया था कि क्रूड ऑयल के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहने वाले हैं तो ये वाला लेवल जो है 55,870 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बनने वाला है। और सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट में जो है 5,714 का ये इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट बनने वाला है। तो इस लेवल को आप विशेष तौर पे आप ध्यान में रख सकते हैं। ये जो भी लेवल को क्रूड ऑयल पार करता है तो उस दिशा में हमें क्रूड ऑयल में तेज़ी या मंदी होते हुए नजर आएंगी। अभी क्रूड ऑयल यहाँ पे एक मिडिल में कामकाज कर रहा है, इसके अंदर जो एक डोजी पैटर्न जैसा बन रहा है जो कि एक अनिश्चितता को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि हमें यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन अभी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक इंडिकेटर जो हमें यहाँ पे यूज़ किया है इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट जैसा देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि क्रूड ऑयल में हमें 5,700 का एक सपोर्ट देखने को मिले और यहाँ से वापस एक बाउंस देखने को मिले, या हो सकता है कि क्रूड ऑयल में 5,870 का एक रेजिस्टेंस मिले और यहाँ से नीचे आ सकता है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल जो है 5,870 के लेवल को होल्ड करके ऊपर की ओर निकलता है तो तब हमें क्रूड ऑयल में 6,000 से लेकर 6,100 तक के हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। तो इन रेजिस्टेंस को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, रखने के लिए आपको क्रूड ऑयल को अपने मार्केट वॉच में जरूर ऐड करके रखना चाहिए। वहीं पे अगर 5,714 का जो लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमें अगला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा ये 5,600 के आसपास देखने को मिल सकता है, और ये लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो 5,500 के आसपास का हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल को आप विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि MACD ने भी अभी यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं दिया है। तो इसके हिसाब से आपको अपने ट्रेडिंग को ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में ऊपर की जो रेंज है ये रेंज ब्रेक होने के बाद हमें ऊपर साइड में अपसाइड के लेवल मिल सकते हैं तो यहाँ पे बाय ऑप्शन का यूज़ करूँगा, और अगर मुझे लगता है कि इसके अंदर लोअर रेंज ब्रेक होने के बाद इसमें सेलिंग आ सकती है तो मैं सेल ऑप्शन का यूज़ करके इसका एक फ्यूचर को सेल करने के बारे में सोचूंगा। सपोज़ मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में ऊपर तेजी आ सकती है तो मैं बाय ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा, बाय बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे वन मेंशन करूँगा, एक लॉट में आती है 100 बैरल क्वांटिटीज़ हमें क्रूड ऑयल की मिलती है। करंट प्राइस के साथ हमें जो मार्जिन लगने वाला है ये 1,82,462.50 लगने वाला है। हम यहाँ पे चार्जेस भी देख लेते हैं तो हमें चार्जेस कितने लगेंगे, ओनली 62.50 हमें चार्जेस लगने वाला है। यहाँ पे आप बाय बटन पे क्लिक करना है, कंफर्म ऑर्डर पे प्रेस करना है, ऑर्डर हमारा सबमिट हो गया। दोस्तों जब यह ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा हमें ऑर्डर लगाना है 5,880 के आसपास हमें ऑर्डर प्लेस करना है। ये ऑर्डर जैसे ही एग्जीक्यूट हो सकता होगा तो हमें अपसाइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर हमें मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में पोटेंशियल रिटर्न मुझे बुक करना है वो आ चुका है और मुझे सेम विंडो पे अपना P&L यहाँ पे देखने को मिलेगा और मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस को अपना बुक करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सेल ऑप्शन का यूज़ करके अपनी पोजीशन को यहाँ से मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। साथ ही अगर मुझे लगता है कि मुझे अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करना है या लाइव मार्केट में मुझे अपने ऑर्डर को करंट पोजीशन मार्केट प्राइस पे बेचना है तो ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ करके मैं अपने ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ और उसको मैं स्क्वायर भी कर सकता हूँ। और साइड बार से मैं टूल ऑप्शन का यूज़ करके अलग अलग टूल का यूज़ करके मैं अपने चार्ट का एनालाइज कर सकता हूँ। FX ऑप्शन का यूज़ करके मैं अलग अलग इंडिकेटर को लगा के अपने चार्ट का एनालिसिस कर सकता हूँ। तो दोस्तों इतना इजी इतना आसान है एंजल वन एप्लीकेशन में इंस्टाट्रेड को यूज़ करना। अगर आपने अभी तक के अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और यहाँ की शानदार सर्विस इंस्टाट्रेड का लाभ लें। दोस्तों अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो आपको 1 ईयर का AMC चार्जेस बिल्कुल फ्री रहता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा, MCX मार्केट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।